हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूपीएससी वन ऑन पे आपका अपना चैनल है ये और मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं हम क्या करने वाले हैं दरअसल हमारे दो आरटीएम आर टी एम से आपके मन में क्वेश्चन आएगा ये आरटीएम क्या होता है सर जी आरटीएम क्या होता है रिविजन थ्रू एमसी क्या होता है रिविजन थ्रू एम ठीक है सुबह साढ़े छह बजे होती है सलोनी सुबह साढ़े छह बजे सुबह साढ़े छह बजे गुड मॉर्निंग दोस्तों गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों लाइव हो चुके हैं हम नोटिफाई कर दो सभी को शुरू हो चुका है गुड मॉर्निंग दोस्तों गुड मॉर्निंग तो दोस्तों अभी उस वाले वीडियो पे एक बात कर रहा था मैं आप सभी से सोच तो रहा हूँ उसी चीज़ को कंटिन्यू एक बार थोड़ा सा आप सभी को करूँ समझाना देखिए मेरे को मेरा समझाना मेरा काम है ठीक आप सभी के सभी जानते हैं यूट्यूब पे या कई जगह पे क्या होता है काफ़ी सारे लोग शुरू से पिपुड़ी बजाने लग जाते हैं कि हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो आंसर राइटिंग करो आंसर राइटिंग करो हाँ डेली होती है विशु डेली होती है एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मान लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आपको आंसर लिखना है आंसर लिखना है बिना सिलेबस पढ़े बिना चीज को करे लिख सकते हो इस पर नहीं बिल्कुल भी नहीं लिख सकते मान लीजिए आपके प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज में एडिटोरियल आ जाए तो क्या कर पाओगे नहीं यही चीज मैं बार बार हर किसी को कहना चाहता हूं कि भाई अपने जो कोर सब्जेक्ट्स है ना उन उन पे पे फोकस करो जब उन पे फोकस करोगे तो हिंदू न्यूज़पेपर भी 40 मिनट में पूरा हो जाएगा और जो आंसर आंसर राइटिंग राइटिंग है रोज क्या करोगे आंसर राइटिंग भी शुरू कर दो लेकिन कई लोग मानते ही नहीं है कहते है, ना भाई हम तो हिंदू न्यूज वो जो यूट्यूब वालों ने बता रखा है उसकी पिपड़ी बजाएंगे और चार चार घंटे तीन तीन घंटे मैं जानता हूं चार चार घंटे लग जाएंगे आपको ह्यूमन ह्यूमन कैपिटल कैपिटल के बारे में एच तक नहीं पता। नहीं पता पता काका घा का लेकिन लेके क्या बैठ जाओगे हवा बनाने के लिए योजना लेकर बैठ जाएंगे लेकर बैठ जाएंगे अरे भैया क्या फायदा क्या फायदा कोई फायदा नहीं मैं लिख के दे रहा हूं आप पूरे साल हिंदू पढ़ते रहो योजना पढ़ते रहो नहीं कर पाओगे एग्जाम तो वही चीज मैं वो जो वहां पर भी शुरू कर रहा था वहां पर आपको सभी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि दोस्तों गाइडेंस ऐसी दो गाइडेंस ऐसी देनी चाहिए जिसको खुद के ऊपर में इंप्लीमेंट किया हो यूपीएससी के जितने भी टॉपर होते हैं नोट कर लेना जितने भी यूपीएससी के टॉपर होते हैं वो बात ऐसी करते हैं अपनी हवा ऐसी बनाते हैं जैसे लगता है वो आम आदमी है ही नहीं आप और मेरे जैसे है ही नहीं बताते कैसे मैंने इंटरनेट देखा कर लिया मैंने ये देखा कर लिया जॉब छोड़ी एक साल पहले मैंने जॉब छोड़ी तीन महीने मैंने ये किया चार महीने ये किया और कर लिया वो उससे पहले ये बताएंगे नहीं कि जॉब छोड़ने से पहले दो साल तक उन्होंने अपने एनसीईआरटी पूरे कर लिए थे उन्होंने सारे के सारे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो कंप्लीट कर ली थी और जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने सिर्फ एक साल क्या किया रिवाइज करा है और क्या करा मेन्स के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी है ये बोलेंगे हाँ विशु वो मैं वही तो बता रहा हूं लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं देखो हिंदू न्यूज पढ़ो लेकिन दोस्तों आप अगर दिन के चार घंटे घंटे तीन घंटे उसमें ही लगा दोगे अगर उसी चीज को पढ़ने में लगा दोगे तो सब्जेक्ट कब पढ़ोगे दोस्त और एग्जाम न्यूज पेपर से नहीं सब्जेक्ट से निकलेगा सब्जेक से निकलेगा दोस्त। इस चीज को समझिए थोड़ा सा जो मैं समझा रहा हूं समझ रहे हो ना? कि कोर सब्जेक्ट है कोर कौन कौन से एक पॉलिटी कर लो एक इकोनॉमी कर लो जियोग्राफी कर लो हिस्ट्री कर लो ये कोर सब्जेक्ट है लोग क्या करते हैं शुरू ही किससे करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से इंटरनल सिक्योरिटी से दोस्तों ये बाद में है पहले अभी आपको ये सब चीजें करनी है जियोग्राफी कर लो ये सब चीजें कर लो और ये सारी की सारी चीजें कर लो एग्जाम क्लियर हो जाएगा हाँ बिल्कुल पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़नी चाहिए दोस्तों एग्जाम तभी निकलेगा मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ दोस्तों अच्छा मेरे से हालचाल नहीं पूछा गया हाँ विनीता कराएंगे कराएंगे उसे ठीक है तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो करिए जैसे मान के चलिए अब एग्जाम्पल देता हूँ लोग कहते हैं लोग कहते हैं कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है एनवायरमेंट वो लिखना यूपीएससी क्लासरूम में एनवायरमेंट लिखना भूल गया एनवायरमेंट कई लोग क्या करते हैं बहुत ही ज्यादा नेगलेक्ट करते हैं कि करंट अफेयर्स हो जाएगा एनवायरमेंट के दोस्तों पंद्रह क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोस्तों प्रिलिम्स के रिगार्डिंग भी नहीं एनवायरमेंट की अगर नॉलेज होगी तो आपको पता है आपने अगर सिलेबस थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो एथिक्स एथिक्स के अंदर में एक टर्म है एनवायरमेंटल एथिक्स एनवायरमेंटल एथिक्स सिलेबस खोल के देखो दोस्तों आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ठीक है सिलेबस मैं हमेशा एक बात करता हूं कि सिलेबस से चीजें देखो सिलेबस अगर नहीं देखोगे तो फायदा नहीं होगा ठीक है सिलेबस जरूर देखो चलिए कर रहे हैं शुरू शशिकांत थोड़ा सा भावुक हो गए शशिकांत बस देखिए वो थोड़ा सा लोगों को समझाना भी पड़ता है कि आप करिए क्या वरना क्या होता है गलत राह पे जब आप शुरू निकल जाते हैं ना तो तीन से चार महीने जब निकल जाते हैं ना तो वेस्ट लगता है मेरे को इसलिए थोड़ा सा हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ तो वन ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे दोस्तों तो दो तक के प्रोल्स का एक्सेस मिल जाएगा टू ईयर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा दो तक के प्रोब्स का एक्सेस मिल जाएगा ठीक है तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं आपको कोड याद रखना है पी आर ए ऐसे चीज कोड याद रखना है। और कर दीजिएगा इसे और लोन भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं जीरो परसेंट प्रोसेसिंग फीस है नो हिडन चार्जेस है कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा कोई मिनिमम वर्क ये सारी चीज़ें हैं आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट भी चल रहा है हर संडे को होता है कॉम्बैट बोलते हैं जिसे हिंदी और इंग्लिश में होता है कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं आप सभी ज्वाइन करिए टॉप थ्री जो रैंकर हैं उनको क्या मिलेगा उनको क्या मिलता है दोस्तों उनको क्या मिलता है थ्री रैंकर को वन ईयर का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा और टॉप फाइव हंड्रेड रैंकर को क्या मिलता है स्कॉलरशिप मिलती है ठीक है चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये एथिक्स में भी क्या बिहेवियर का पता चलता है परी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं वो रटा रटाया फॉर्मेट बता देते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आंसर लिख रहा है एक क्वेश्चन देता हूं एथिक्स का मान के चलिए आप ट्रॉली लेकर आ रहे हो ट्रॉली लेकर आ रहे हो और ढलान है ट्रॉली पे ट्रॉली में ढलान है अब क्या है सामने आपको पता है दो, गर, दो बच्चे हैं दो बच्चे हैं अगर ट्रॉली उधर की तरफ लेके गए तो उन दो बच्चों की डेथ हो जाएगी ठीक है उनको क्या हो जाएगी उनके सारे के सारे क्या हो जाएगी डेथ uh, हो जाएगी और बगल में बगल में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है एक बूढ़ा आदमी खड़ा है आप किसको बचाओगे इन दो बच्चों को बचाओगे अगर मतलब आपके आप ट्रॉली को टिल्ट कर लो तो आप यहां चले जाओगे एक की डेथ होगी और सामने जाओगे तो दो बच्चों की डेथ होगी किसको बचाओगे ये एथिक्स का क्वेश्चन है एथिकल क्वेश्चन है चलिए अब क्वेश्चन का आंसर देते हैं हाँ किड फ्रॉम द माउंटेन मैं सोच रहा हूँ कि सेशन अलग से लिया जाए सार्क और बिमस्टेक के अंदर में कौन कौन सी कंट्री होती है ये पूछ रहे है विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द बोथ सार्क और बिम्स्टेक में होते हैं सबके सब डी सब आंसर दे रहे हैं में कौन कौन से होते हैं याद करने का तरीका बता रखा है दोस्तों याद कर लो बी से कौन बांग्लादेश इंडिया म्यांमार श्रीलंका थाईलैंड नेपाल भूटान ठीक है दोस्तों क्लियर है हाँ ओनली वन शशिकांत कह रहे हैं ओनली वन ठीक है ओनली वन कह रहे हैं ठीक है ठीक है दोस्तों पहले ये हो गया सार्क ऊपर से शुरू करो सार्क ऊपर से शुरू करो हाँ ये देखो ये फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ म्यांमार नहीं होता दोस्तों म्यांमार नहीं होता वन टू एंड फोर इसका करेक्ट आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन ओनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वही तो परी ऑलरेडी आ चुका है ठीक है तो ये क्वेश्चन जहां से बना था मैंने वहां से उठाया म्यांमार सार्क का मेंबर नहीं है दोस्तों म्यांमार जो है सार्क का मेंबर नहीं है याद रखिएगा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आपको पता है सार्क बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है और ऐसे क्वेश्चन आपसे जो पूछे भी जाते हैं एग्जाम में ठीक है वो बताऊंगा उसमें गलत क्या है लाइक कर दो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है बिम्स्टेक को याद करने का तरीका क्या है फिर बता रहा हूं याद ऐसे कर लो बी से बांग्लादेश इंडिया म्यांमार श्रीलंका टी से थाईलैंड यहां तक आ गए बाकी बची दो कंट्री दो कंट्री को भाई इंडिया के बगल वाले याद कर लो कौन सा नेपाल और थालैंड नेपाल और क्या भूटान ये याद कर लो इसी से नेपाल और भूटान याद कर लो आपकी ये कंट्रीज याद हो गई ठीक है और आप सार्क को अगर याद करना शुरू करो तो ऊपर से शुरू करो बांग्लादेश नीचे आ गए पाकिस्तान फिर इंडिया तीन हो गई भूटान नेपाल कितने हो गए पांच हो गए नीचे चले जाओ नीचे चले जाओ बांग्लादेश छह हो गए फिर नीचे की तरफ चले जाओ दोनों नीचे दोनों पैर में है दोनों की तरफ में क्या इधर इधर आपका मालदीव है और इधर आपका क्या है श्रीलंका ठीक है दोस्तों क्लियर है क्लियर है हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है याद करने का तरीका ये है म्यांमार क्या आपका सिर्फ बिम्स्टेक के अंदर में और एम से लोग कंफ्यूज जाते हैं मालदीव है आपका साग के अंदर ठीक है याद करने का तरीका बता रहा हूं हाँ देखिए शॉर्ट ट्रिक्स तो किट फ्रॉम द माउंटेन बहुत चीजों की हैं मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैप को अपने दिमाग में मोबिलाइज कैसे करो अपने दिमाग में कैन मै इमेजिन कैसे करो कि ऊपर से शुरू करो अफगानिस्तान हो गया फिर पाकिस्तान आ गया फिर ये हो गया फिर इधर से नीचे गए फिर नीचे गए फिर नीचे गए अपने पैरों की तरफ में जब गए ना इंडिया अपने पैरों की तरफ गया तो दो पैर हैं इधर और इधर एक मालदीव हो गया श्रीलंका हो गया याद हो गया कोई शॉर्टकट शुरू ही नहीं करना ठीक है अभी शुरू हुई है जस्ट ठीक है दोस्तों क्लियर है अगला क्वेश्चन आपसे रिलेटेड नॉर्थ ईस्ट दोस्तों मेरे जितने सेशन देखे होंगे आपने नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा वहां के लोकेशन से क्वेश्चन आएगा वहां के आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में ये वाला क्वेश्चन करिए ऑफ ऑफ द द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश बांग्लादेश भी न्यूज में है पता है ना बांग्लादेश न्यूज में है चलिए भाई बांग्लादेश न्यूज में है नॉर्थ ईस्ट तो रहता ही है तो बताओ कौन अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है कौन अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है राम 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 पंकज भाई क्या हाल है सभी के लिए बताइए कौन शेयर नहीं करता अब ये क्या है जब तक आप अपने दिमाग में मोबिलाइज नहीं क्या नाम है इमेजिन नहीं करोगे मैप को तब तक आप नहीं कर सकते सबने इसका आंसर देना शुरू कर दिया ए क्या बात है क्या बात है दोस्तों क्या बात है क्या बात है तो ए इसका करेक्ट आंसर है कि मणिपुर जो है अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है किसके साथ में बांग्लादेश के साथ में तो ये आपके साथ में मैप है अब दो चीजें आपके लिए होमवर्क है बांग्लादेश के साथ में कौन बॉर्डर शेयर करता है और कौन नहीं करता ये तो आपने देख लिया आपके क्या करना है म्यांमार से कौन बॉर्डर शेयर करता है ये भी देखना है भूटान से कौन कौन स्टेट्स हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं ये देखना है और नेपाल से कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं ये भी देखना है अगर मैं आपसे कहूं नेपाल से हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है तो सही होगा कि गलत होगा दोस्तों सही होगा कि गलत होगा तो ये देखिए ये रहा येगा ये देखिए बांग्लादेश शेरा मेघालय आसाम अरुणाचल प्रदेश अब ये देखिए कौन कौन से शेयर नहीं करते अभी तो आपने सिर्फ एक आंसर दे दिया कौन कौन से शेयर नहीं कर सकते अरुणाचल प्रदेश शेयर नहीं करता नागालैंड शेयर नहीं करता और मणिपुर शेयर नहीं करता याद रखिएगा दोस्तों ये चीजें ठीक है क्लियर है क्लियर है अब एक और चीज ये हो गया आपको पता मेघालय के अंदर में मेघालय के अंदर में वो है गारो खासी जयंतिया ये क्या है हिल्स हैं मेघालय के अंदर में तो इनको अरेंज करना है आपको कैसे वेस्ट टू सो ध्यान रखिएगा वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है गारो खासी जयंतिया को मेघालय के जो हिल्स हैं उनको अब ये देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं ये क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो आपको ये होमवर्क दे रहा हूं ना ये बहुत बहुत ही मतलब आपको मैं यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं ठीक है पहाड़ी तो है इनको अरेंज करना है दोस्त अरेंज करना है वेस्ट टू ईस्ट जाते हुए वेस्ट टू ईस्ट जाते हुए क्या करना है इनको अरेंज करना है ठीक है तो ध्यान है क्या ना अब ध्यान रखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी तो आपको सिर्फ मणिपुर ध्यान था याद रखिएगा आप साथ में याद कर लेना नागालैंड भी नहीं लगता अरुणाचल प्रदेश भी नहीं लगता ठीक है अच्छा इसी ऑर्डर पे हो जाएंगे चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए एक और बढ़िया ले आए मैप बेस्ड क्वेश्चन अब बता दो अफगानिस्तान शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अच्छा क्वेश्चन है अब अब बताओ चलो अब ईस्ट टू वेस्ट लगा दो जरा ईस्ट टू वेस्ट लगा दो जरा पता है यूपीएससी में पिछले कुछ टाइम के क्वेश्चन देखोगे पता कैसे क्वेश्चन होते हैं ये कि इसकी कैपिटल को ईस्ट टू वेस्ट लगाओ इसके कैपिटल को नॉर्थ टू साउथ लगाओ कौन सी कंट्री नॉर्थ टू साउथ में पहले पड़ेगी बताइए ऐसा कर कर के क्वेश्चन होते हैं चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कौन शेयर नहीं कर सकता करता है विच मतलब करते हैं कौन कौन सी कंट्री करती हैं बताइए अब आ गए ना गच्चा खा गए हो सारे के सारे गच्चा खा चुके हो जहाँ तक मुझे लग रहा है गच्चा खा चुके हो कच्चा खा चुके हो, बताइए बताइए प्रिया कह हैं डी सुनील कह रहे डी किट फ्रॉम द माउंटेन हैं बी हर्षिता कह रहे डी योगी कह रहे हैं डी परी कह रहे हैं बी ठीक है शालू कह हैं डी आकांक्षा डी कह रहे हैं अब देखो मैप बेस क्वेश्चन आना चाहिए ना मैप बेस क्वेश्चन आना चाहिए लास्ट टू लास्ट ईयर एक बार आ, बी कह रहे हैं सभी के सही बी कह रहे हैं ईरान ओनली अच्छा ईरान ओनली चलिए ईरान ओनली कह रहे हैं कई लोग डी कह रहे हैं चलिए इंडिया के साथ लगता है इंडिया के साथ लगता है अफगानिस्तान का बॉर्डर बताओ लगता है इंडिया के साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है <laughs> दरअसल हमारे इंडिया में जो पीओके है ना जो जिसको हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं वहां से बॉर्डर लगता है ऊपर की तरफ में जो ये है ना ऐसे करके ऐसे ये वाला हिस्से पे यहां पर लगता है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों लगता है दोस्त लगता है समझिए इस चीज को लगता है ये वाला जो हिस्सा है पीओके है हमारी पार्लियामेंट ने इसको कहा है कि हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है अब जब ये क्या है इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है तो यानी कि क्या है इंडिया का हिस्सा है अब जब इंडिया का हिस्सा है तो इंडिया से लगता है बॉर्डर बिल्कुल लगता है अफगानिस्तान का तो बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है पीओके अगर हमारा है तो नहीं ऑफिशियली जाओ यूपीएससी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इस चीज को समझिए ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा है कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि अगर मगर में जाएंगे भैया मेरे यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो उस पर चलती है जो क्या नाम मैं आपके पार्लियामेंट ने कहा है वो जो देश का पार्लियामेंट कह रही है वो तो हमेशा बोलो हमेशा बोलो कि हां लगता है पीओके हमारा है क्योंकि पार्लियामेंट ने ये बोल रखा है ठीक है और डी तो अब देखो काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे सबने बोला जो चाइना से नहीं लगेगा ये देखो दोस्तों ये आ गया चाइना आपका ये मैप मैं बहुत क्लोज इसलिए लेकर आया हूं कि आपको समझा सकू ये देखो आपका ये आ गया चाइना अफगानिस्तान की ये देखो ये हिस्सा याद रखो ये क्या है ये देखो चाइना है ना ये देखो मैं कलर चेंज कर देता हूँ इस बार थोड़ा सा ये देखो ये रहा चाइना और ये लगती इसकी बॉर्डर और ये रहा इंडिया ये देखो इंडिया ये, देखो, इंडिया। ये लगता ये वाला हिस्सा बॉर्डर इसका लगता ये क्लियर ये क्लियर ये दोनों चीजें क्लियर हो गई तो इंडिया हो गया और चाइना हो गया अफगानिस्तान इस ना बहुत ज्यादा न्यूज में है इसलिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर देखिए तुर्कमेनिस्तान हो गया ईरान देखिए कितनी लंबी बॉर्डर शेयर करता है ईरान ईरान देखो और ये रहा पाकिस्तान तो ये कंट्रीज उसके साथ में करती है ठीक है तो याद रखिएगा चाइना भी है कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं चाइना भी है तो कौन सा बचा इसमें भैया इंडिया भी है ईरान भी है चाइना भी है कजकस्तान के साथ में उसकी बॉर्डर नहीं लगती है तो वन टू एंड फोर इसका करेक्ट आंसर हो गया डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों क्लियर है याद रखना दोस्तों कौन कौन सी कंट्री ये ब्लैक सी पे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था कि उस जैसे ये ब्लैक सी है ना तो उसके आसपास कौन कौन सी कंट्री है ठीक है हाँ जिन जिन का आंसर सही था उनको सभी को बधाई क्या था क्वेश्चन पूछा था मैं बता था ना ब्लैक सी पे कौन कौन सी कंट्री लगती तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि अफगानिस्तान दोस्तों आपका बहुत ज्यादा न्यूज में इस बार बहुत ज्यादा तालिबान बहुत ज्यादा चीजों के कारण में न्यूज में तो उसका मैप बेस्ड क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाइएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये चाइना वाला हिस्सा ये चाइना वाला हिस्सा और ये इंडिया वाला हिस्सा लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है ठीक है क्लियर है डी इसका अब देख लो अगर इसको पूरे बड़े उस पर देखना चाहो बड़े उस पर देखना चाहो तो ये देखो अफगानिस्तान ये हमारा प्यारा भारत है ये देखिए यहां पर ये लग रहा चाइना और ये रहा प्यारा भारत ये रहा किर्गिस्तान ये रहा ये रहा तुर्कमेनिस्तान ये रहा ईरान और ये रहा पाकिस्तान हाँ पूछिए स्वीटी क्या क्वेश्चन है अगर यहाँ पे क्वेश्चन uh, का आंसर देने लायक हुआ तो करेंगे बिल्कुल और ये देखिए ऊपर कैस्पियन सी ये रहा और ये रहा क्या नाम इधर अरेबियन सी ये रहा इंडिया से और ये देखिए कौन सा गल्फ है ये और ये देखिए सारी चीजें न्यूज में है ना हाँ, वो भी मुझे वो भी मुझे ठीक <laughs> है आपको पता है दोस्तों यहां से क्वेश्चन इस इस एरिया से क्वेश्चन क्या आ चुका है ऑलरेडी दो बार यूपीएससी में एक क्या आ चुका है कैपिटल्स को कैपिटल्स को अरेंज करने का ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एक क्वेश्चन क्या आ चुका है बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है और एक क्वेश्चन किससे आ चुका है लेक से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका तो ये चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब इसमें ज्यादा यहाँ पर टाइम नहीं दूंगा मैं आपके लिए ठीक है दोस्तों क्लियर है ये मैप आपको कर दिया अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न आता है भैया 64 लोग देख रहे हैं और लाइक से फोर्टी एट है सिक्सटी फोर लोग देख रहे हैं गल्फ ऑफ खम्बत इधर नहीं होगा गल्फ ऑफ खम्बत कहाँ से होगा इधर गल्फ ऑफ खम्बत पंकज किधर है आप बताइए गल्फ़ ऑफ खम्बत् आपका जब हम गुजरात के इधर के आते हैं उधर की बात कर रहे हैं अपने भारत की बात कर रहे हैं गल्फ ऑफ खंबल हाँ बिल्कुल स्वीटी बिल्कुल बिल्कुल होंगे स्टेट ऑफ हॉर्मोज है उधर स्टेट ऑफ हॉर्मोज है ठीक ठीक है।, है अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बिल्कुल होंगे स्टेट पीएससी के लिए भी होंगे स्टेट पीएससी के लिए भी होंगे वो जो जगह बताई दोस्तों वो कौन सा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ याद रखिएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और पंकज वो जो खम्बत जो है वो गुजरात वाला है यहाँ नहीं है यह हम बात कर रहे हैं यहाँ की देखो ये यहाँ की बात कर रहे हैं गुजरात हमारा प्यारा ये रहा यहाँ पर है खम्बत ये होगा ये देखिए ये यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हारमोज याद रखिएगा नहीं दोस्त मैंने ये देखिए ना ये मैंने यहां पर पूछा था ये वाला हिस्से पे ये वाले हिस्से पे यहां पर नहीं पूछा था ये वाला पूछा था चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ब्लैक होल दोस्तों ब्लैक होल एक ऐसी जगह है इतना हैवी मास है इतना इतना, इतना इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना है कि सब चीज को अपने पास खींच लेता यानी कि कुछ भी यहां से एस्केप नहीं हो सकता इवन लाइट भी एस्केप नहीं हो सकती यानी कि इससे लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती लाइट जब बाहर नहीं निकलेगी दोस्तों तो आप किसी चीज की क्या कर सकते हो इमेज पिक्चर तक क्लिक नहीं कर सकते हो क्या कर सकते हो पिक्चर तक क्लिक नहीं कर सकते हो ठीक है और इवेंट हॉराइजन हर्षिता 2019 के प्रीलिम्स में इवेंट हॉराइजन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है इवेंट होराइजन क्या होता है क्या हुआ था इवेंट होराइजन क्या है हल जो ये है ना देखिए समझिए ये ब्लैक होल है ये क्या है डार्क इतना छोटी सी जगह पे इतना ज्यादा हैवी मास होता है कि इसकी ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होता है वो क्या हो जाता है बिल्कुल खींच लेता है किसी को तो ये नजर में नहीं आता किसी के भी तो कोई इमेज नहीं क्लिक कर सकते थे 2019 में एक इवेंट हुआ उसको नाम दिया गया इवेंट होराइजन इसके क्या है चारों तरफ इतने ज्यादा गैस थे इतने ज्यादा वो थे कि ये व्हाइट व्हाइट सा नजर आ रहा था येलो येलो सा तब आपने क्या किया इसकी इमेज को क्लिक किया इसकी इमेज को क्या किया क्लिक किया तब आपको पता चला कि ब्लैक होल कहां पर है इवेंट होराइजन के कारण में ये चीज पता चला तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट क्या है कॉल्ड द इवेंट होराइजन और इवेंट होराइजन क्या होता है बाउंड्री बाउंड्री फिर बता रहा हूं देखो ये देखिए ये ब्लैक होल है इसकी इमेज क्लिक ही नहीं कर पाते थे फिर क्या हुआ इवेंट होराइजन वाला इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर में क्या हुआ इसके आसपास में येलो येलो सी बाउंड्री बन गई थी येलो येलो सी ऐसे बाउंड्री बन गई थी और उसके बाद में क्या हुआ था आपने इसकी इमेज को क्लिक किया था अभी आज सर्च करोगे इवेंट होराइजन तो कोई आपको एक प्यारी सी तस्वीर एक काला सा अंदर और हल्का हल्का सा येलो येलो सा बाहर की तरफ में नजर आएगा तो सी इसका करेक्ट आंसर बहुत ट्रू फिर याद बहुत छोटा सा मास है ब्लैक होल बहुत छोटी सी जगह होती है, है इतना मास होता है कि सबको अपनी तरफ खींच लेता है बाहर निकलेगा नहीं लाइट न, एमिट नहीं होगी तो आप उसको देख नहीं पाओगे जब देख नहीं पाओगे तो इमेज कैसे क्लिक करोगे ठीक है दोस्तों क्लियर है क्लियर है दोस्तों इवेंट होराइजन से 2019 में क्वेश्चन आ चुका है इवेंट होराइजन से 2019 में क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्ट ठीक है चलिए चलिए अगला क्वेश्चन आपसे रहा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम उससे रिलेटेड प्रश्न है आपके सामने भैया मैकबुक का सेशन जिस जिसने रात में नहीं देखा है अभी देख लेना सभी के सभी जाके अभी देख लेना ये सेशन खत्म होने के बाद में जाके जरूर देख लेना ऑपरेशन इन ड्यूरिंग फ्रीडम इज रिलेटेड टू हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसीलिए तो मैंने बोला इतना ज्यादा मास है कि उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा हो जाता है और ग्रेविटेशनल पुल हो जाता है तो वहां से कुछ चीज हमें नजर नहीं आती बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बताते हैं एथिक्स वाले क्वेश्चन का परी आंसर देंगे बताते हैं, बताते हैं हैं आप सभी सोचिए उसके तो बताइए क्या है तो भैया जब यूएसए साहब ने क्या किया था वर्ल्ड में टेररिज्म के अगेंस्ट में वॉर छेड़ी थी उसको उन्होंने नाम दिया था उस ऑपरेशन को ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम ये नाम दिया था याद रखिएगा डबल स्टार मार्क कर लेना अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाह रहे अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाह रहे इसलिए इस चीज को याद रखना यूएस गवर्नमेंट ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म एक स्टोरी टाइप की वीडियो बनाऊंगा दोस्तों कि अफगानिस्तान पे सिकंदर आया यूनान से वो भी हार गया यूएसएसआर आया वो भी हार गया ये क्या नाम है आपका वो अमेरिका गया वो भी हार गया तो अफगानिस्तान ऐसी है क्या वो सारी चीजें आपको बनाएंगे तो लेकिन याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है ये आपको ऑपरेशन इंडियोरिंग फ्रीडम किससे रिलेटेड है यूएस का गवर्नमेंट का ग्लोबल वॉर है जो टेररिज्म के अगेंस्ट में है तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा दरअसल काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तालिबान वाले इंसिडेंट पे तो तालिबान वाला जो पूरा का पूरा है वो मैं बहुत क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलूंगा बताऊंगा आपको जान के हैरानी हो जाएगी नाइनटीन सेवनटी तक वो बहुत ही डेवलप वहां पर क्या होता है बहुत ज्यादा मतलब औरतें बिल्कुल खुले में बिल्कुल मॉडर्न सोसाइटी की तरह रहते थे मॉडर्न सोसाइटी की तरह रहते थे क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट बनी थी वहां की जो लेफ्ट ओरिएंटेड जो गवर्नमेंट थी उसने बनी थी उन्होंने लोगों को राइट्स दिए थे फंडामेंटल राइट्स वगैरह सारी चीजें फिर उसके बाद में फंडामेंटलिस्ट आ गए और वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ और यह भी बताया जाता है कि उसमें यूएसए का बहुत बड़ा रोल है तो बी इसका करेक्ट आंसर है वर्ड ध्यान रखोगे ना कहीं पे भी आ जाए ऑपरेशन एनड्यूरिंग फ्रीडम रिसेंटली सीन इन न्यूज तो इसका मतलब क्या है जब यूएसए ने ग्लोबल लेवल से टेररिज्म को खत्म करने के लिए वॉर छेड़ी थी उसको बोला था उन्होंने नाम दिया था क्या ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ठीक है और अफगानिस्तान में दोस्तों सबसे मेन उन्होंने कहां किया था अफगानिस्तान में किया था और अब वहां से वो वापस आ रहे हैं इसलिए ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है दोस्तों क्लियर है क्लियर है अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा टेंशन ना लो दोस्तों अभी हम बैठ के क्लास ले रहे हैं बहुत जल्द हम सब भी आप आप सभी का प्यार रहेगा तो हम सब भी क्या नाम है डिजिटल बोर्ड पर क्लास लेंगे टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी ठीक है सब व्यूज वगैरह सब आने लग जाएंगे मुझे पता है जैसी है ना चलिए लाइक्स लाइक्स बढ़ा दो बस खाली आप सभी का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो होगा सभी के सभी कह रहे हैं सी होगा इसका आंसर दार्शु ने बोला वन होगा ए होगा सभी के सभी ए बोल रहे हैं मोनिका कह रहे हैं सी होगा समीरा ने बोला बी होगा पंकज ने बोला ए होगा चलिए शुरू करते हैं लास्ट ईयर आपको पता है इंडिया ने लास्ट ईयर इंडिया ने आर सी ई पी नाम का रीजनल कॉम्प्रिहेंशन रीजनल कॉम्प्रीहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप से क्या कहता कि हम बाहर हो जाएंगे याद होगा कोविड के बाद में उन्होंने अनाउंस किया था ठीक अनाउंस किया था बाहर हो जाएंगे ये चीजें ना लिंक्ड हैं इसीलिए कराता हूं ऐसा नहीं है कि कहीं से भी हवा से ले आता हूं आर सी ई पी दोस्तों क्या है आसियान कंट्री का आसियान कंट्री का इकोनॉमिक इकोनॉमिक समझिए इकोनॉमिक क्या है पार्टनरशिप है आसियान कंट्री का और ये क्या है क्या टी पी पी ये क्या है दोस्तों ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप वो जो यूएसए के उधर है ना सारे के सारे मेक्सिको वगैरह सारे के सारे उनकी ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन है ये तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत होगी ना क्या है फिर समझिए ये क्या कह रहा है एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ये कहां का है ये कहां का है वहां पर जो यूएसए जो

इंडिया जो है मेंबर नहीं है सीपी का बिल्कुल सही स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली टू इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अब समझ आ गया कहा गड़बड़ हुई थी दोस्तों गड़बड़ जहां हुई थी समझ आ गया ना कि क्या गड़बड़ हुई थी आर और उसके बीच में डिफरेंस समझ गए तो ये क्या है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जिसको सीपीटी बोला जाता है ठीक है उसको वो क्या है ग्यारह कंट्रीज का है जो आपके पेसिफिक रिम में रहते हैं वर्ड याद रखना पेसिफिक रिम कौन कौन सी कनाडा मेक्सिको पेरू चिले न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ब्रूना ये सारी की सारी कंट्रीज का है दोस्तों अब याद आ गया ना ठीक है अब याद आ गया सभी को याद आ गया और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था किसके साथ में जो आसियान के साथ करने वाले थे दोस्तों और याद रखिएगा आसियान के अंदर में दस कंट्रीज हैं दस कंट्रीज हैं याद रखिएगा और वो जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ठीक है अभी कंफ्यूज है कि अब क्लियर हो चुका है रुद्रांशु अब ठीक है ना अब तो क्लियर हो चुका है ना और जो RCEP किसका है आसियान का है 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 ये वर्ड ध्यान रखिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आसियान आसियान क्या है? RCEP, जो है का ठीक है।, है दोस्तों आसियान में कितने हैं दस मेंबर हैं और इनके साथ में इंडिया जो है डील करने वाला था लेकिन इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि हम इस चीज को नहीं करेंगे खत्म कर देंगे मैटर हमने इसको ज्वाइन नहीं किया ठीक है दोस्तों क्लियर है क्लियर है शेरो क्लियर है चीतो मेरे शेरों मेरे ओके okay, चलिए तो इंडिया ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वहां के जो लेबर लॉज हैं जो एनवायरमेंट क्योंकि देखिए ये चीज समझिए ये जो ये ये समझिए जो कंट्रीज हैं ये थोड़ी सी डेवलप कंट्रीज हैं यहां पे पैसा वैसा हिसाब किताब बढ़िया है अब ये क्या है अपने हिसाब से क्या करते हैं एनवायरमेंट के लॉज बनाएंगे करेंगे यही तो गेम चल रहे हैं पूरे के पूरे डेवलप कंट्रीज क्या कर रहे हैं यही तो गेम चल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं इंडिया को आगे जाके तरक्की ना कर पाए उसी के लिए तो कर रहे हैं ये चीज है, तो इंडिया ने उसको ज्वाइन नहीं किया भाई शेरों सब कुछ तो ठीक है चीतो चीते चीतो एंड चेतानियो चेतानियों बोल दो टाइग्रेस हिंदी में ऐसी बोल रहा हूँ। चीतो और चेतानियो भाई ये तो चीटिंग है अस्सी लोग लाइव देख रहे हो मतलब बहुत खुशी की बात है कि अस्सी लोग लाइव देख रहे हो लेकिन लाइक सिर्फ सिक्सटी नाइन है ठीक है ठीक है लाइव सिर्फ सिक्सटी नाइन है मतलब हदी मचा रखी है अगला क्वेश्चन का आंसर दिए कली कराया था ये कली कराया था इसका तो आंसर सभी के सभी लगा दोगे अपना अपना टाइम टाइम आ आ चुका है। आ चुका है है ठीक है से रिलेटेड कली बताया था भैया डायनासोर देखा होगा आप सभी ने डायनासोर अगर आप सभी ने देखा होगा तो उससे रिलेटेड क्या होता है <laughs> हाँ तो सभी के साथ शेर हो शेर हो बब्बर शेर हो शेरनिया हो शेर नहीं आओ सारे के सारे बताइए इसका करेक्ट आंसर इट वॉज ए रेप्टाइल स्पीशीज क्लोज टू डायनासोर कल करा चुका हूं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है वर द फर्स्ट आफ्टर इंसेक्ट टू इवॉल्व पावर्ड फ्लाइट बिल्कुल सही बात है फ्लाइट करने उड़ने वाले हुए दूसरा और इनका नाम क्या दिया गया था मंकी डेक्टाइल फॉसिल अभी रिसेंटली क्या हुआ है ये दरअसल न्यूज में क्यों है क्योंकि रिसेंटली इसको पाया गया तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है डी इसका करेक्ट आंसर एंड थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी ने इसका डी लगा भी दिया वैसे भी क्या बात है क्या बात मतलब लगता है मेरे को ना सभी को हुल देनी पड़ती है जब 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 जब, जब मैं हुल देता हूँ तब तब क्या दो दो तीन तीन लाइक बढ़ जाते हैं अभी हुल दिया तो सारे के सारे के सिक्सटी नाइन से सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री हो गए लेकिन व्यूज भी हुल हुल देने का व्यूज भी कम हो गया अस्सी से इस पे आ गए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्लियर है याद रखिएगा ये डियाना आना शोर है भाई अपना सोर है ठीक है ये अपना डियाना सोर है फिर तो भाई ने हद बचा रखी है कति कति ज्यादा भावु को रखा अपना डियाना सोर। अगला प्रश्न आपके सामने ये होगा चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए भाइयों। मुझे ऐसा लगता है अब मेरे को ऐसे बोलना पड़ेगा थोड़ा सा थोड़ा सारा वैसे करना पड़ेगा दू खर्चा पानी दू दू खर्चा पानी लाइक कर लाइक कर तो सारे के सारे लाइक बनाना शुरू करेंगे है ना तो खर्चा पानी से कहीं सारे के सारे बोला समझ ले कि हाँ सर सही में कुछ खिलाने पिलाने जा रहे हैं तो मेरे तो लग जाएंगे <laughs> चलिए ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए आहार क्रांति मिशन आहार क्रांति मिशन इट विल फोकस ऑन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड डिसीजे इन अबंडेंस अक्रॉस इंडिया पहली स्टेटमेंट ठीक है ठीक है और दूसरा क्या है इट विल फोकस ऑन ट्रेनिंग टीचर्स हु इन टर्न विल पास ऑन द मैसेजेस अबाउट न्यूट्रिशन टू स्टूडेंट्स पंकज क्या है दरअसल दिल्ली में क्या होता है जब लोग स्कूल स्कूल जाते हैं तो डीटीसी की बसों में जाते हैं तो दरअसल क्या होता है ज्यादातर वहाँ पे कंडक्टर हरियाणा से होते हैं तो जो बिहार से आए हैं जो यूपी से आए हैं वो भी अरे भाई केकरण लाग रहा है के बोलिया वो, वो भी वो भी हरियाणा थोड़ा सा वो भाईचारा दिखाने के लिए कि हाँ मुझे कुछ नहीं बोलेंगे ठीक है वो वाला तो पहली स्टेटमेंट क्या है दोस्तों अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है आहार क्रांति मिशन लॉन्च किया है मिशन एक लॉन्च किया है जिसके अंदर में वो चाहते हैं न्यूट्रिशन लेवल ठीक हो लोगों का लो हंगर से जो डिसीज हो रही है जो उनके डेथ हो रहे हैं उस चीज को ठीक करें ठीक उस चीज को ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है ये चीज़ कराया गया है आहार क्रांति मिशन अब इसमें क्या किया गया है टीचर क्या करेंगे टीचर क्या करेंगे वो मिशन समझाएंगे किसको किसको समझाएंगे दोस्तों ठीक है उसको किसको समझाएंगे क्या नाम है स्टूडेंट्स को समझाएंगे और स्टूडेंट्स वो मैसेज घर पे देंगे हर जगह पे देंगे दोस्तों एक चीज़ समझिए मैं शुरू से एक चीज़ बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट मतलब पूरे इंडिया में अगर आपको कोई अवेयरनेस कैंपेन शुरू करना है ना अवेयरनेस कैंपेन शुरू करना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल स्टूडेंट्स प्ले कर सकते हैं ठीक है ठीक है दोस्तों हाँ वो आधार सॉरी सॉरी आहार आहार क्रांति वो आधार ट्रांसलेट गलती हो गया वो क्या बात है पंकज भाई <laughs> तो ठीक है ये क्वेश्चन समझ में आ गया दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है ठीक है करेंगे कोशिश मोनिका करेंगे कोशिश बाया ओलिया ओलिया ए? ओलिया भाई इसका हो जाएगा आंसर हो गया क्लियर है ये मैं आपको फिर बोल दूं आहार क्रांति मिशन शुरू किया गया जिसके अंदर में क्या किया गया जिसके अंदर में क्या क्या है फोकस करेंगे हंगर और डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए जिसके अंदर में क्या करेंगे आप स्टूडेंट टीचर से पहले जाओगे मैटर टीचर को क्या करोगे ट्रेनिंग दोगे फिर वो मैसेज किसको देंगे स्टूडेंट्स को देंगे किसको देंगे स्टूडेंट्स को देंगे दोस्तों ठीक है ठीक है सी वन ऑन टू इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है आ, हो लिया ना आहार क्रांति गवर्नमेंट ने शुरू किया है अवेयरनेस मिशन है दोस्तों मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर आपको कभी भी अवेयरनेस ये कई बार मैं डिस्कशन करते अपने दोस्तों वगैरह से भी शुरू डिस्कस करते समय पे ये बोला है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहते हो तो स्कूल को टारगेट करो स्कूल को टारगेट करो और जैसे मान के चलिए अवेयरनेस फैलानी होती है वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड मैंने हमेशा बोला वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड अगर आपको अवेयरनेस फैलानी है तो आप क्या करिए स्कूल्स को टारगेट करिए आपने कभी नोटिस किया है आपने कभी नोटिस किया है आपने मतलब ये बहुत ही सीरियस हुई इस टॉपिक पे वुमेन से रिलेटेड जो उनके असॉल्ट होता है उनका इतना ज़्यादा मिसबिहेव होता है उनके ज़्यादा सेक्शुअल असोल्ट होता है रेप वगैरह के जो केसेस होते हैं वो ऐसा क्यों होता है कभी भी क्योंकि क्या होता है हमेशा आपने देखा होगा अपने घरों में भी बच्चों को आप हमेशा कहते हो कि बड़ों के पैर छू ठीक है हमेशा कहते हो बच्चों के पैर छूओ हमेशा ये करो ऐसे करो लेकिन कभी भी बचपन से ये नहीं सिखाया जाता कि रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट गर्ल्स गर्ल्स की रिस्पेक्ट करो बचपन से कभी भी ये नहीं सिखाया जिन घरों में ये चीज सिखाई जाने लग जाए यानी कि बचपन से ये आपके एक मैकेनिज्म बन जाए तभी आप क्या एक या दो पीढ़ी के बाद में ये बराबरी वाला जो माइंडसेट है तभी आ पाएगा ठीक है तो इस चीज़ ये चीज समझिएगा मैं इसीलिए कहता हूँ स्कूल्स को अगर आप टारगेट करोगे तो आने वाले समय में सोसाइटी अपने आप में बढ़िया हो जाएगी तो आहार क्रांति एक अवेयरनेस कैंपेन है तो आहार का मतलब क्या होता है दोस्तों आहार का मतलब खाने पीने की चीज होती है और ये क्रांति मचाने के लिए यानी कि उस चीज को करा गया ठीक है और ये अवेयरनेस कैंपेन है जिसमें हम क्या करेंगे टीचर्स को अवेयर करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में फिर टीचर क्या करेंगे उनको अवेर, किसको अवेयर करेंगे स्टूडेंट्स को अवेयर करेंगे स्टूडेंट्स को अवेयर करेंगे ठीक है तो ये चीज समझिएगा ऐसे चलेगा टीचर फिर स्टूडेंट्स फिर स्टूडेंट्स जाके कहाँ जाएंगे घर पर जाएंगे लड़कियां घर की लक्ष्मी होती हैं और लक्ष्मी मतलब रेस्पेक्ट ठीक रेस्पेक्ट लक्ष्मी और उसको पैर नहीं छूने दिया जाता ये भी एक माइंड सेट है ये भी एक माइंड सेट है ठीक है क्लियर है वारी? तो ये चीजें हैं अब मान के चलिए आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लें अब ये जो आज मैंने डिस्कस किया आपसे स्कूल वाला आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लें या फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लें आपसे एथिक्स में क्वेश्चन पूछ लें कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं तो आप अवेयरनेस कैंपेन अवेयरनेस कैंपेन कैसे शुरू करेंगे अवेयरनेस कैंपेन कैसे शुरू करेंगे ये चीजें हैं हाँ, रुद्रांश मैं वही बता रहा हूं जहां जहां पर शुरू किया गया वो चीज अच्छी है लेकिन कुछ जगह पर होता है ठीक है तो ये समझ गए ये जो पॉइंट है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन क्या है ये मतलब आपसे अगर कहीं पूछना तो आप क्या कर सकते हो यूनिक सजेशन दे सकते हो कि स्टूडेंट्स को आप इन्वॉल्व करो अवेयरनेस कैंपेन के अंदर में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करो तो ये क्या है आहार इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी क्या न्यूट्रिशन होता है कैसे न्यूट्रिशन मिलेगा ये कहाँ से मिलेगा सारी चीजें क्या करना समझाना है सारी चीजें क्या होगी समझाई जाएंगी टीचर्स को समझाई जाएंगी इंग्लिश और हिंदी में समझाई जाएंगी सारी सारी लैंग्वेजेस में ऑनलाइन ऑफलाइन समझाई जाएंगी सारी चीज़ें क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन लेवल हमारे यहाँ पर बच्चों में बहुत ज़्यादा कम है और उसके कारण में आपने देखा होगा कि जहाँ पर खाने पीने की कमी होती है थोड़ा सा भी वहाँ के बच्चे न्यूट्रिशन लेवल में थोड़े से कम होते हैं और जब न्यूट्रिशन नहीं होता आप समझिए इस चीज़ को लिंक करके समझिए लिंक करके समझिए न्यूट्रिशन ख़राब होगा किस में चिल्ड्रन में तो उनका दोस्तों क्या होता है पता है बॉडी का डेवलपमेंट भी नहीं होता प्लस में माइंड का भी डेवलपमेंट नहीं होता अब जब बॉडी और माइंड का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो आपका ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं हुआ अब ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं हुआ तो आपकी इकोनॉमी में जो आप उम्मीद कर रहे हो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड से आपको इकोनॉमी में हेल्प मिलेगी वो हेल्प आपको नहीं मिलती और इससे क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है हिंडर होती है क्या होती है दोस्तों हिंडर होती है इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है दोस्तों क्लियर है तो ऐसे लिंक करके ये चीजें कुपोषण का जो शिकार होते हैं उसके कारण में यही समस्या होती है कि वो अल्टीमेटली लास्ट में जाके किसको करते हैं आपको किसको करते हैं आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी हिंडर करते हैं ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए एथेरियम और कॉइन डोगे का मतलब वैसे क्या होता है इसका डोगे का मतलब था मीम मीम था मीम जिसको शुरू शुरू में कई सारे लोग मे बोलते थे ठीक है yes. तो ये क्या है आपको पता होना चाहिए दोस्तों यूपीएससी टर्म स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है टर्म स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है हाँ परी अब ये टॉपिक बहुत लंबा चलेगा करते हैं ये क्या है दोनों की दोनों क्रिप्टो करेंसी है याद रखिएगा सी इसका करेक्ट आंसर है यूपीएससी में क्रिप्टो करेंसी से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है टर्म स्पेसिफिक साइबर अटैक से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है साइबर अटैक का नाम पूछ लिया था एक दो बार जैसे वोल्फ अटैक

कुछ अलग अलग कंट्रीज हैं जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया है ऑस्ट्रेलिया है वेनेजुएला है इन सबकी भी क्या है क्रिप्टो करेंसी है उन सभी का नाम आपको बताना है उन सभी की क्रिप्टो करेंसी का आपको नाम बताना है दोस्तों ठीक है ठीक है क्लियर है और एक और प्वाइंट एक और क्वेश्चन है इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैंड है या नहीं है बताइए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा हु द फॉलोइंग वाज द रेडियोलॉजिस्ट ज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद अभी उनका स्वर्गवास हुआ है और राष्ट्रपति जी ने उसके रिगार्डिंग क्या किया है अपने आंत्वना दी है तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है विशु पार्लियामेंट ने उसको इलीगल बोला था पार्लियामेंट ने उसको इलीगल बोला था फिर उसके बाद में याद करो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसने बोला था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑर्डर याद रखिएगा याद रखिएगा चलिए बाकी इसके ऊपर में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे इसका करेक्ट आंसर दो पहले क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में अलग से वीडियो बनाएंगे शालू इसमें क्या होता है वर् इसमें क्या है जैसे आप कैश में हाथ में आपके पैसा होता है ना उसको टच कर सकते हो ऐसे ही आपके ये कैश नहीं होता ये आपके वॉलेट के अंदर में होता है बस खाली फिजिकली आप इसको टच नहीं कर सकते ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है करेंसी है ना करेंसी ठीक है ठीक है करेंसी उसको आप टच नहीं कर सकते बाकी इसके डिटेल में क्या है पूरी टेक्नोलॉजी क्या यूज होती है वो बताएंगे तो याद रखिएगा दोस्तों ए इसका करेक्ट आंसर है करकला सुब्बा राव जी जो थे फर्स्ट रेडियोलॉजिस्ट जो थे वो निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के क्या थे फर्स्ट डायरेक्टर उनका भी स्वर्गवास हुआ है बहुत बड़े रेडियोलॉजिस्ट थे ये उनका अभी निधन हुआ है और अभी उसके ऊपर में क्या किया है बताया गया उन्होंने नॉर्थ अमेरिका के अंदर में जो तेलुगु एसोसिएशन थी नॉर्थ अमेरिका में उसके फाउंडर भी थे ठीक है उसके फाउंडर भी थे ठीक है दोस्तों तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे और उनको पद्मश्री दिया गया था 2000 के अंदर में पद्मश्री भी दिया गया था तो आपसे पर्सनैलिटी बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछना चाहें तो आपसे पूछ सकते हैं याद रखिएगा इस चीज़ को ठीक है चलिए अब कहाँ आगे बढ़े आकांक्षा हमारा तो होलिया काम अपना तो होलिया भाई ठीक है तो दोस्तों आपसे फिर रिक्वेस्ट है कमेंट में होमवर्क कंप्लीट करके देना है दूसरा लाइक कर देना है वीडियो को तीसरा दोस्तों अगर आपने अभी तक अगर आपने अभी तक क्या किया है आपने मैकबुक का कल वाला सेशन मैकबुक वाला सेशन नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा सुबह साढ़े बजे वाला पॉलिटी वाला सेशन नहीं देखा है तो भाया मेरे उसको भी देख लीजिएगा की सारी चीज़ें आप कर लीजिए ठीक है और आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी का प्यार अगर बना रहेगा तो हम चीजें और अच्छा आगे आगे करता करते रहेंगे और भाई सिर्फ सेवन सेवन लोग ऑनलाइन हो सिर्फ सत्रह लाइक चाहिए भाई हजार सौ पूरे करने के लिए तो कर दो काहे को इतना भाव खा रहे हो सभी के सभी कर दो थोड़ा सा ठीक है तो क्लियर है दोस्तों कल वीडियो आ चुकी है मैकबुक वाली शाम को आप सभी से शायद नहीं थे उसके अंदर में तो आप सभी के सभी उसको देख लीजिएगा और से ऑन सीरियस नोस्ट तो अपनी पढ़ाई करते रहिए मन लगा के पढ़ते रहिए घर पे रहिए अच्छे से पढ़ाई करिए ठीक है दोस्तों और ये सारी की सारी चीज़ें हैं समीरा सभी को गुड मॉर्निंग गुड सभी को बाय बाय और एक और चीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना एथिक्स के क्वेश्चन का आंसर एथिक्स के पेपर में देंगे अच्छा चलो एक ठीक है एक थोड़ा सा दे देता हूँ लोग जा, जाने लग गए परी मैं बताता हूँ कई लोगों ने बोला कि हम क्या करेंगे दो स्टूडेंट्स को बचाएंगे दो बच्चों को बचाएंगे देखिए क्या थी ये ऐसे था ट्रॉली ऐसी थी कि ब्रेक फेल हो गए थे यहां पर दो बच्चे थे यहां पर दो बच्चे थे और आप क्या है दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में एक पर्सन थे तो आप किसको बचाओगे कई सारे लोग क्या कह रहे थे कई सारे लोग यह कह रहे थे कि क्या हम लेफ्ट साइड में मुड़ जाएंगे एक पर्सन को बचाने के लिए दो पर्सन एक पर्सन के मतलब एक पर्सन को मार देंगे दो पर्सन को बचा लेंगे एक बताओ सिंपल सी एक बात बताओ आप अगर ट्रॉली को मोड़ रहे हो आपने उसकी डायरेक्शन मोड़ी, तो वो क्या हो जाएगा इंटेंशनल हो गया ना इंटेंशनल हो गया अब इंटेंशनली अगर आपने उधर की तरफ गए तो वो क्या हो गया दोस्तों मर्डर हो गया देखिए समझिए वाला आपके हाथ में नहीं था आपके कंट्रोल में नहीं था लेकिन अगर आप इधर की तरफ जा रहे हो खुद अपनी तरफ से मोड़ के जा रहे हो तो वो क्या हो गया इंटेंशनली हो गया ठीक है आठ बजे था भाई आठ बजे था मैकबुक का सेशन का टाइम आठ बजे था तो ये मैं बाकी क्या होगा एक आपको बता दूं एथिक्स की केस स्टडी के सेशन लेंगे हम उसमें काफी कुछ आपके मतलब दिमाग को बिल्कुल खोल देने वाला माइंड ब्लोइंग सेशन हम उसके अंदर में करेंगे केस स्टडीज हम करेंगे ठीक है तो ये चारों के चारों सेशन आप बाकी सोचिएगा कि मान के चलिए अब ये एक तो क्या है ब्रेक फेल है सीधा सीधा जा रही है ट्रॉली आप क्या करो इंटेंशनली उसको मोड़ रहे हो किसी की तरफ में इंटेंशनली उसको मोड़ रहे हो किसी की तरफ में एथिक्स का क्वेश्चन ठीक है ये बुक्स भी है आपकी ठीक है मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है भाई लोगों टेलीग्राम चैनल है अन अकेडमी प्रशांत तिवारी या फिर प्रशांत तिवारी पीडीएफ दोनों की दोनों में से कोई भी चीज सर्च कर लेना मिल जाएगा रुद्रांशु एथिक्स की केस स्टडी बहुत जल्द होने वाली है क्योंकि मैंने आपको जब फर्स्ट मेरी वीडियो थी तभी मैंने बोला था कि एथिक्स की केस स्टडी मैं जरूर कराऊंगा तो स्पेशल सेशन पे करेंगे एथिक्स की केस स्टडी ठीक है समझ गए ना जो आंसर देना चाह रहे यूपीएससी सीएससी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है अन अकेडमी प्रशांत तिवारी यू पीटीडमी प्रशांत तिवारी क्या है टेलीग्राम चैनल है या फिर आप कर लो पीटी प्रशांत तिवारी पीडीएफ पीटीपी ये दोनों चीजें सर्च कर लेना दोनों को ज्वाइन कर लेना ठीक है मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है वन ईयर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2022 तक के प्रीलिम्स का एक्सेस मिल जाएगा टू ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो 2023 तक के प्रीलिम्स का एक्सेस मिल जाएगा बाकी आपको भाया क्या याद रखना है एक इसमें से राजस्थान से थे पीसा ज्यादा ना लगे भाई इसमें क्या करना है कोड याद रखना है पी आर एस एच याद रखना है ठीक है दोस्तों ये है आपके सामने लोन भी आप ले सकते हैं अगर जिनको ई पे क्लासेस लेनी है आप क्या कर सकते हैं एक साथ अमाउंट नहीं आप ई एम आई भी पे भी कोर्स परचेस कर सकते हैं फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है हर संडे को होता आज भी है सुबह जुड़ जाइएगा ग्यारह बजे बाय बाय कर रहे हैं सभी के सभी बाय दोस्तों थैंक यू सो मच अपना ध्यान रखिए मन लगा के बता रहिए कोड अप्लाई कर देना पी आर एस एच ई कोड अप्लाई कर देना हर जगह पे जहाँ भी जाओ कोड अप्लाई यही करना है प्लस की क्लासेज चल रही है आइकॉनिक चल रही है आइकॉनिक में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिलते हैं पर्सनल कोच मिलते हैं गाइड मिलते हैं जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे क्वेश्चन आंसर आपके चेक करेंगे आपका सिलेबस वीकली प्लान बनवाएंगे सब कुछ करेंगे ठीक है यहाँ पर क्या है ऑप्शनल की भी क्लासेज चल रही है ऑप्शनल दोस्तों पांच सौ नंबर करता है मेन्स के अंदर में ठीक है दोस्तों mains में ठीक है दोस्तों और ये ऑप्शन प्लस में जीएस की भी क्लासेस चल रही हैं सब कुछ है कॉम्बो भी है ये है वीडियो पसंद आई लाइक शेयर और कमेंट कर देना पी आर एस एच कोड है अन अकेडमी तिवारी टेलीग्राम चैनल है थैंक यू सो मच अपना ध्यान रखिए मन लगा के पढ़ते रहे मिलते हैं बाय